गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी आर ऑल्सो सिक्स एस्पायरिंग कैंडिडेट इन एफएक्सयू। व्हेन वी टॉक अबाउट एफएक्सयू, दिस इज ब्रांच स्टूडेंट यूनियन ऑफ आंसू, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एफएक्सयू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफएक्सयू, वी कैन से दैट दिस हैज बीन द मोस्ट डायनेमिक प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग आंसू, एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज प्रोड्यूस लॉट ऑफ डायनेमिक लीडर्स लाइक In ANSU we have 3-4 president. In APSU we have 2-3 president. And it is very saddening to say that such a great platform has been manipulated by some personnel interested. Then, rather what I say that this platform has been manipulated by few leaders from our own area. And this platform has been disrespected in this ensuing ANSU election. We are also candidates for aspiring candidates for ANSU president, but when they gave us notice to represent our manifesto for our candidacy, then in a very sudden moment, just they gave us 3 days. Then we reply their notification in a joint representation. That such hurriedness for the declaration of the official candidate wouldn't be bring a good outcome. But in the midnight of 18 July, at around 11:53, I got a letter from FXO that at any cost we have to give our appearance here. And in the letter, they said that ANSU tenure of the present ANSU tenure has been expired, and the extension period given by the NAS has also been expired. But it is very funny to see that the letter served by us was by President and GS affection. It was happened in 18 July midnight, and very next day we attended the meeting of 19 July. And their letter, it is clearly stated that the President ANSU tenure has been expired. But in the ANSU bylaw review on 24 July, it's very funny to see that both the President JSP are present there. And in the party group, I asked them, you said the present ANSU tenure has been expired, then what you both doing here? So I would, with the conclusion, I would say that I personally, Mr. Legend Yadav, I don't agree with this official candidate given by the APEXU. And rest, my colleague will speak in front of media. Thank you. Good afternoon, viewers. तो जितने भी यहाँ पे viewers है उसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आज जो हम लोग बैठक बैठ रहा है आपका सामने में, तो उसको मैं कुछ संक्षिप्त में ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा। आज हम लोग रिप्रेजेंट करता है एपेक्सयू। एपेक्सयू स्टैंड फॉर ऑल पीपल चैन का जो यावे पुरंग तवा स्टूडेंट यूनियन। तो एक ये एक ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, बीएसयू है, ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का। तो उस अंदर में बीएसयू का अंदर में हम लोग एज ए सीनियर्स, एज ए कैंडिडेट, एज ए मेंटर, एज एडवाइजर का रूप में हम लोग काम करता है एपेक्सयू का। तो इसलिए आज जो हम लोग एज ए सीनियर यहाँ पे इकट्ठा हुआ, और फर्स्ट 19 में हम लोग ऑलरेडी जब कुछ वहाँ पे हम लोग इसके बाद भी कहा मीडिया का जरिए, तो आज मैं आज फिर से हम लोग इकट्ठा हुआ, फिर से सोचा आज फिर से जनता को हमारे जो निशी इनहेबिटेंट डिस्ट्रिक्ट का जनता को, स्टूडेंट को, अभी जो ANSU के लिए
पार्टिसिपेंट करेगा, चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे वो वोटर्स हो, चाहे वो सपोर्टर्स हो, उसको जानना जरूरी है बोलकर हम लोग यहाँ पे एक साथ हुआ। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जब अपेक्षु प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी उसका टीम होता है अभी तो प्रेजेंटली, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ पम्तो बगंग एंड अगा ताजो के लीडरशिप में आज तो हम लोग को इनकम्पिटेंस लगा और उसको एक इमेच्योर लगा, इसलिए हम यहाँ पर एज ए सीनियर हम लोग को यहाँ पर मजबूर में आना पड़ा। तो इसलिए आना पड़ा है, हमारा जो अध्यक्षों का एक पहले से नेम नीति है, एक कहानी है, जब स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में जब उतरता है तो अध्यक्षों हमेशा अपना एक इरादा पे पक्का रहा और हमेशा सक्सेसफुल रहा, हमेशा यूनिटी इंटीग्रिटी के साथ रहा। इसलिए आज उस यूनिटी इंटीग्रिटी को जो चलाना है, वो लीड करना है, उसको हम लोग भरोसा करके अपेक्ष में लीडर भेजा है। आज देखा है तो वो लीडर लीडर जैसे नहीं है, वो लीडर हम लोग को लीड करने का लायक नहीं है, अपेक्ष जैसे प्लेटफॉर्म को वो गंदा कर रहा है। इसलिए हम लोग ये चीज़ को हम क्लियर कर कुछ शब्दों में बताना चाह बयां करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, अपेक्षु हमेशा स्टैंड करता है यूनिटी इंटीग्रिटी फॉर द फोर सर्कल। फोर सर्कल में आपको बताया चाहेंगे जो है सवा है, ग्यावे पूरन है, पीपू है, तो उसका इंटीग्रिटी को लेता है। बोले जब प्लेटफॉर्म जब स्टूडेंट्स का है तो हम लोग को स्टूडेंट्स का विचार में सब जोनल के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए सोच के डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आंसू का चलते, आंसू का इलेक्शन का चलते, हमारा जो अपेक्षु का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जो करप्टेड हो चुका है और वो गंदा हो चुका है, तो क्योंकि उसने, इसलिए हम डायरेक्टली बता रहा है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन का बात आया है तो आंसू कैंडिडेचर के लिए, उन लोगों ने ये जो एज पर द प्रोसेस में प्रोसीजर्स में नहीं किया गया, तो उस प्रोसीजर्स को हम लोग फर्स्ट डे मई 19 को ही हम लोग बोला हम लोग नलिफाई करता है क्योंकि आपका प्रोसेस ठीक नहीं। इसलिए हम लोग ये बताना चाहता है कि उसमें क्या हुआ था। हाँ, वो लोग 16 को यहाँ ईटानगर में घूम घूम के कहीं एक दो सीनियर्स का नाम लिया है, उन्हें पेपर में भी फोकस किया है, बात किया था, ये सब बोल के एक नाम लिया है, लेकिन कुछ सीनियर जो क्लियरली स्टैंड हुआ है वहाँ, वो मीटिंग में भी आकर बताया, हम लोग तो कभी एडवाइस दिया नहीं है वो मीटिंग, ये करो वो करो ऐसे कैंडिडेट करो। उसमें वो 16 को मीटिंग, यहाँ इमरजेंसी मीटिंग बैठता है वो भी मतलब प्री प्लान का साथ, तो कुछ एजुकेटेड मेंबर्स भी मालूम नहीं होता है। तो ऐसे करने के बाद 17 को सर्कुलर देता है, मीटिंग 19 को होगा बोल के, 19 होगा बोल के। तो हम लोग पूरा एज ए सीनियर्स या एज ए एस्पायरिंग कैंडिडेट का हिसाब से हम लोग ने, और हम लोग जो यहाँ बैठा हुआ है वो एथिक्स का एडवाइजर भी है, विदाउट नॉलेज ऑफ एडवाइजर, विदाउट नॉलेज ऑफ लीगल एडवाइजर, ये सब कर चलते हम लोग जो बोला यार ये तो हम लोग को नॉलेज में नहीं हुआ है, तो ऐसे होता है। बोले से अरब बरी का क्या जरूरी है, हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन हम लोग मिलकर दिया अपेक्षु प्रेसिडेंट को, रिगार्ड करते हुए अपेक्षु को रिगार्ड करते हुए बोला ये टू अर्ली है, ये जो आप लोग 16 17 को नोटिफिकेशन देता है तब तो 18 को हम लोग को सर्कुलर पहुंचाता है, 19 को जब मीटिंग होने के लिए, वो भी प्री पोल का मीटिंग होने के लिए, प्री पोल करना है बोल के एक डिस्कशन चलता है। तो इसको चलते हम लोग ने उसको रिप्रेजेंटेशन सबमिशन किया, तो बोला प्रेसिडेंट अपेक्षु को इसको ऐसे मत करो, और बायलो भी अभी 24 को होने जा रहा है, एज ए चेयरमैन मैं बायलो का खुद था, तो हमने बोला बायलो होने दो, बायलो होने के बाद तब कैंडिडेट का एक क्रिटेरिया आएगा, तब किसी को भी देता है बोले हम लोग मिलकर देना चाहेगा। तो ये बोलकर हम लोग अपील रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, तो उसका जवाब जो हम लोग को साथे साथ नहीं मिलता है, तो कल मीटिंग है, कल रात का 12 बजे को हम लोग को वो उसका जवाब देता है, हम लोग नहीं मानता है जबरदस्ती हम लोग मीटिंग जैसे भी मीटिंग करना है बोल के आप लोग का बात को, हम लोग रिप्रेजेंटेशन का आपका रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा बोल के रात का 12 बजे को जवाब देता है। उसका मकसद ये रहता है कि मतलब हम लोग उसको नहीं पढ़े, वो सर्कुलर को भेज दिया बोल के दिखाने के लिए हम लोग को ऐसे टेक्निक्स अप्लाई किया, लेकिन हम लोग ने फिर भी एक रिगार्ड करके सुबह का 3 बजे यहाँ से 19 का 3 बजे निकला, हम लोग वहाँ पे 9 बजे ठीक समय को पहुँचा, तो मीटिंग को अटेंड किया। तो अटेंड करते हुए भी हम लोग ने जो एज ए सीनियर्स वहाँ पे देखा है, तो मीटिंग हॉल में
ये क्लियरली बता रहा है। अगर उसमें भी आप देखिएगा, वो वीडियो होता होगा, अगर हम झूठ बोलते हैं तो गलत बात होगा, उसमें क्लियर कट देखा है, कोई सीनियर्स नहीं था, नो वन। एपिक्सू का अक्सर मीटिंग में होता है कि चार सर्कल से इतना माइंडेड लाइक माइंडेड जो सीनियर्स होता है, जो एक एडवाइस दे सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यूनिटी इंटीग्रिटी को हमेशा फोकस करता है, ले जाता है, वो होता है, लेकिन उसमें कोई सीनियर्स नहीं था। सिर्फ एक दो तू था जो कोई कोई तो पढ़ा लिखा वाला भी नहीं था, ऐसे जस्ट वो एक इंटेंशन था कि मतलब थोड़ा वो लोग का बात नहीं मानता है, बोलो से थोड़ा दादागिरी दिखाएगा, ये सब करेगा बोल के, ऐसे टाइप का था कुछ मेंबर था, तो उसको लेते हुए, लेकिन हम लोग वो मीटिंग को रेस्पेक्ट करते हुए हम लोग ने उसमें भी अपना पक्ष रखा, तो हम लोग क्लियर कर स्टैंड किया। हम लोग बोला समय ये बार जल्दी मल्दी है, हम लोग चाहता है कि आप लोग का ये बजे से एपेक्स का यूनिटी इंटीग्रिटी में उल्टा इम्पेक्ट पड़ेगा, और कल को यूनिटी इंटीग्रिटी एपेक्स नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो हम लोग को कैंडिडेट्स को, पांच ही कैंडिडेट्स है उसमें नाम आता है, आसुक दो का भी नाम आता है, तो हम लोग को एक बार मिलाओ, हम लोग को डिस्कस करने दो, कैंडिडेट आपस में भी बात करने दो, ऐसे मौका दो, और एक यूनिटी इंटीग्रिटी एक टू को हम लोग सेलेक्ट करना करके ले जाना चाहता है, कल को हम लोग से भी गिला सिखवाना हो, जो भी कैंडिडेट जाएगा एक यूनानिमस होके जाएगा, और एपिक्यू को कल को बाहर देखने वाला बदनाम नहीं होना है बोलकर हम लोग अपील किया। जितना स्पीकर था सब अपील किया, लेकिन वहाँ पे रिजिडिटी था, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जो इनकम्पिटेंट बोलेगा, एकदम फिट लिस्ट वाला दोनों बोला, आप लोग का बात है सिर्फ आप लोग कैंडिडेट है बोल के बताओ, और प्री पोल कैसे कर, इलेक्शन कैसे करना है उसका प्रोसेस बताओ बोला। अरे ये तो बात नहीं बनता, इसका डायरेक्टली हम लोग बोला ये नहीं होगा, ऐसे कोई रूल्स नहीं होता है, आपको सबसे पहले बात है हम लोग को अगर भरोसा भी नहीं करता, एटलीस्ट सीनियर्स लोग का गैदरिंग करके आप जो एपिक्सू का यूनिटी इंटीग्रिटी लेकर एपिक्सू का कल को एक साथ जाना है, हम लोग यहाँ से झगड़ा नहीं करके जाना है बोलकर, यूनि वो सीनियर्स लोग को तो बुला के डिस्कस करना है, और हम लोग एजुकेटिव मेंबर जो कैंडिडेट टीचर लोग को भी एक बार चांस देना चाहिए कि हम लोग जो आपस में दूसरा का नज़र में नहीं, हम लोग भी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में प्यार करके एक टू को बैठना चाहिए, एक टू चांस मौका दो आपस में, ये कम्प्रोमाइज़ के लिए भी बोला लेकिन भी नहीं माना। तब ऐसे चलते हमने जो हम लोग यहाँ वहाँ से जो कैंडिडेटर जो आप लोग ऐसे डिसीजन करने के लिए मीटिंग बैठा है तो ऑलरेडी डिक्लेयर वाला वो आप देखता होगा, जो वहाँ में तो कुछ कंप्यूटर सम्प्यूटर भी नहीं लाया, लेकिन ऑलरेडी प्रिंट आउट करके सब कुछ रेडी करके आया वाला था ये सब। तो हम लोग जो इसको हम अगर आप प्री पोल करा यूनिटी इंटीग्रिटी को नहीं ले जाना चाहता है, और हम लोग का बात को सीनियर्स का बात को आप लोग सीनियर्स को भी मीटिंग नहीं कराना चाहता है, हम लोग को फिर से दुश्मनी कराना चाहता है, तो हम लोग ये आपका ये डिसीजन को हम लोग नल एंड वाइट करता है बोल के हम लोग वहाँ से निकला। निकल के हम लोग को वहाँ पे जो प्रेस वाला ने कवरेज किया कि बोला आप लोग ये मीटिंग में आया तो किसे है बोल के बातचीत सुनने के लिए, तो प्रेस वाला को डायरेक्ट बोलने भी नहीं देने के लिए, झगड़ा करने के लिए प्रेस वाला को भी वो लोग इंटरप्ट किया। तो एक सबसे बड़ा बात है कि मतलब ऐसे जो टैक्टिस जो गुंडागर्दी वाला टैक्टिस टाइप का था हमको ऐसा लगा, तो ये एपेक्सू का कोई एम एन ऑब्जेक्टिव में नहीं है, एपेक्सू का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसे नहीं लिखा है, एपेक्सू का कोई इरादा ऐसे नहीं है, एपेक्सू हमेशा चाहता है कि एक यूनानामस एक स्टैन हो, यूनानामस एक कैंडिडेट हो, एक अच्छा कैंडिडेट ले जाए। और मैं बताना चाहता हूँ अभी का डेट में मैं एपिक्सू को यही अपील करना चाहता हूँ, कल को भी एपिक्सू जो आएगा उसको मैं बताना चाहता हूँ, एपिक्सू का कैंडिडेट कल को भी ऐसे कैंडिडेट को बनाइए जो एपिक्सू के लिए काम करके आया, यूनियन में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आया, बन कॉल में हमेशा साथ, आंसू हो आपसू हो चाहे वो एक टू का हो चाहे जो भी यूनियन गिरी में जो काम करता है उसको शक्ल दिखाए, उसका उसके लिए दुअर दाई काम करे, ऐसे वाला को कैंडिडेट बनाना चाहिए ना, बल्कि आज देखता है तो सिर्फ कुछ एक दो रात में कुछ खिला दिया, उसको चलने के लिए कुछ दे दिया, कुछ खरीदने के लिए कुछ मार्केटिंग के लिए कुछ दे दिया, तो उसको कैंडिडेट डिक्लेयर करना है बोले से, ऐसे अपेक्षित प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी लीडर हम लोग को नहीं चाहिए, इसलिए हम बोलता है आज जो रहीम यंग को एज ए वाइस प्रेसिडेंट आंसू का तरफ से भी हम बोला उस दिन भी बोला कम से कम एक अपेक्षु जो एक स्ट्रोंग बीएसयू में माना जाता है इसका मजाक नहीं करना, और जो भी कल को अपेक्षु से एक यूनानिमस अच्छा कैंडिडेट लाएगा तो हम लोग सेक्रीफाइस करेगा बोल के हम लोग उसको डू और डाई सपोर्ट करेगा बोल के गया। तो आज भी मैं वही बोलना चाहता हूँ, एपिक्सू को कल को भी अच्छा
कैंडिडेट लेकर जाना है और एपिक शू को ऐसे कैंडिडेट लेकर जाओ कि मतलब कंट्रोवर्सी ना हो, वो क्राइटेरिया में फुलफिल हो और एपिक शू जैसे प्लेटफॉर्म में ले जाने वाला अंशु में एक अच्छा रिप्रेजेंट कर सके, प्रेसिडेंट को एक अच्छा ले जा सके, कल को समाज जो ना टूके ऐसे कैंडिडेट को ले जाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि वहाँ एपिक शू में टू टू में करके सबको डिवाइन रूल पॉलिसी करके सिर्फ इंडिविजुअल किसी से एक कुछ 1-2 रुपया कहा के एपिक शू का कैंडिडेट नहीं बनना, ये था हम लोग कहते हैं। इसलिए हम लोग अभी बोलता है वो जब उस वो जो ऑफिशियल देने वाला पास भी हम नारायण भाई बोलता है उसके लिए हम इसलिए जनता से बोलते हैं, जितना भी हमारा रेस ऑफ द BSU को भी बोलता है उस तरह का जो इमेच्योर वाला डिसीजन नहीं होना है कहीं में भी, और कहीं में भी हो एक यूना नामक से एक BSU से कैंडिडेट बना के लेके आइए, कोई भी हो हम लोग सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you.